वापस आ चुके हैं खुदा के लिए बोल और वरना के बाद अपनी फोर्थ मूवी के साथ। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। आसमान बोलेगा इसके फर्स्ट लुक पोस्टर्स आ चुके हैं जो कि काफ़ी इंप्रेसिव, उनको पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला है। ये मूवी ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड होगी जो कि हुए थे, बारकोड स्ट्राइक हुई थी उस पर बेस्ड करेगी। और इसमें जो हसन सिद्दीकी जो पाकिस्तान के स्क्वाडन लीडर थे उसका रोल इमादर फनी प्ले करेंगे, और वहीं पर माया लिया जो इंडियन जर्नलिस्ट का रोल प्ले करेंगी जो कि पोस्टर से भी साफ जाहिर हो रहा है। और इस मूवी में भी हमें जेट जेट फाइटिंग के सीन नज़र आएंगे जो इससे पहले हम प्रवास जिन्होंने शेर दिल में देख चुके हैं। पर शुएब मंसूर की बात करें, उनकी जो सारी की सारी मूवीज़ हैं वो क्रिटिकली एक्लेम्ड थी और सक्सेस मूवीज़ थी। बोल का कलेक्शन थोड़ा सा कम था लेकिन बाकी दोनों ही मूवीज़ काफ़ी अच्छी सक्सेस भी हुई थी और सारी की सारी मूवीज़ क्रिटिक्स को भी पसंद आई थी। खुदा के लिए और बोल तो बहुत बड़ी सक्सेस भी थी और एक बहुत ज़बरदस्त मूवीज़ भी थी। उसके बाद ये उनकी फोर्थ मूवी है और इनका आप टाइटल पढ़ें तो इन चारों मूवीज़ का टाइटल इकट्ठा पढ़े तो सेंटेंस बनता है। वो अपनी मूवीज़ का जो टाइटल है वो पिछली मूवी से कनेक्ट रखते हैं। खुदा के लिए बोल वरना आसमान बोलेगा, ये चारों ही मूवी का टाइटल एक सेंटेंस बन रहा है। उसके अलावा बात करें इसकी रिलीज डेट की, तो ये मूवी पहले सितंबर में आनी थी। अब आपको पता है सितंबर में तो ये नहीं आई, तो इसकी जो प्लानिंग है वो नेक्स्ट ईयर मार्च में चल रही है। अभी कन्फर्म नहीं है ये मूवी पोस्टपोन या प्रीपोन हो सकती है। ये मूवी इस मूवी का जो सिनेमा में रिलीज़ करेगी वो डिस्ट्रीब्यूशन क्लब रिलीज़ करेगी। और बात करें अगर इस मूवी के टीज़र एंड ट्रेलर की, तो नेक्स्ट ईयर जनवरी और फरवरी में इसके रिलीज़ हो सकते हैं टीज़र या फिर एक ट्रेलर रिलीज़ हो सकता है। ये मूवी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है और इसके जो फर्स्ट लुक पोस्टर हैं उनको काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला है। अब आपकी यह राय है ये मूवी ट्रू इंसिडेंट पर बेस्ड है तो कैसी निकलेगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हालांकि शुएब मंसूर की पिछली मूवीज़ देखें तो सारी की सारी मूवीज़ एक अच्छी मूवीज़ थी, तो उसको देखते हुए इससे लोगों की जो एक्साइटमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो नेक्स्ट ईयर का वेट करते हैं मार्च का, या फिर ये मूवी ईद उल फितर पर भी आ सकती है। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, जैसे ही होगी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक ज़रूर कर दें।